नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। झारखंड जनतांत्रिक महासभा का एक संवाददाता सम्मेलन साक्षी के जुबली पार्क में आयोजित किया गया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृष्ण नौहान ने बताया कि TSDPL कंपनी द्वारा 84 प्रशिक्षण बहाली की गई है। प्रशिक्षण बहाली में झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का उल्लंघन करते हुए 84 प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है, जबकि उपायुक्त कार्यालय से निर्गत पत्र में पत्र 599 दिनांक 16/12/2023 के आदेश से बहाली प्रक्रिया का अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनी है, जिसमें संबंधित सभी विभागों को रखा गया है। इसके द्वारा जाँच किया जा रहा है। जाँच प्रक्रिया अभी पूरी नहीं होने के बावजूद प्रशिक्षण नीति पत्र दिया जाना उपायुक्त महोदय पूर्वी सिंहभूम के आदेश की अवहेलना है, इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया पर TSDPL कंपनी प्रबंधन तत्काल रोक लगाए, अन्यथा TSDPL कंपनी का उड़का जाम किया जाएगा। साथ ही कंपनी प्रबंधन की मनमानी रवैये रहे तो हम लोग न्यायालय के समक्ष भी जा सकते हैं। झारखंड जनतांत्रिक महासभा के दीपक रंजीत ने कहा कि इस बहाली में योग्यता का भी घोर अवहेलना किया गया है। 95% अन्य राज्य से आए हुए लोगों की बहाली की गई है। स्थानीय उम्मीदवार 100% लिखित परीक्षा में पास किए गए हैं, उसके बावजूद साक्षात्कार में उन्हें छाट दिया गया है। कंपनी में 10 से 15 सालों तक काम करने वाले अनुभवी उम्मीदवारों को भी छाट दिया गया है। रिश्तेदारों एवं व्यू को बहाली की गई है। महासभा के अजीत तिर्की ने बताया कि बहाली के शुरुआती से ही कंपनी प्रबंधन करने के घेरे में है। सादा कागज पर बहाली निकाला गया था, जिसका झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने पत्राचार और विरोध से रोका और नए सिरे से बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसके साथ अटैचमेंट महासभा ने इस संदेशपूर्ण प्रक्रिया का 2022 से ही विरोध करती आ रही है। 2/5/2024 से 84 प्रशिक्षण को नियुक्ति दिया जनरल का आपत्ति दर्ज करते हुए दिनांक 26/4/2024 को उपायुक्त महोदय को आवेदन में विस्तृत जानकारी डिटेल हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया गया। संवाददाता सम्मेलन में महासभा के कृष्ण लोहार, सोमनाथ पंडित, अजित तिर्की, दीपक रंजीत, विष्णु गोप, रायमूल बांद्रा, विक्रम बांद्रा, सुनील कर्मकार, बाद अंधेरा, बबलू कर्मकार, महाराज कर्मकार उपस्थित थे। आज हम लोग ये TSDPL कंपनी जो 2022 में प्रशिक्षु बहाली निकाला था, जिसमें झारखंड सरकार ने जो कानून बनाया, झारखंड राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवार का नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022, इसका उल्लंघन करके बहाली कर रहा था। झारखंड जनतांत्रिक महासभा 2022 में ही इसका विरोध किया और DC को, जिले के उपायुक्त को, एक्सचेंज ऑफिसर को और भी संबंधित पदाधिकारियों को, कंपनी को भी हम लोगों ने पत्र लिखा और कहा कि इस कानून का अवहेलना करके कोई बहाली नहीं किया जा सकता। ये सरकार ने कानून बनाया तो इसका पालन करना पड़ेगा। और तो और इन लोगों ने जो फॉर्मेट निकाला था, फॉर्म भर रहा था, जो लोग आवेदन भर रहे थे, वो सादा कागज पर जो है आवेदन लिया जा रहा था, उसमें टाटा स्टील जैसे रेपुटेड कंपनी का ना लोगो है, ना कोई और अटैचमेंट कागज था, ये सादा कागज कर इस तरह का प्रक्रिया कर रहा था। इसका भी हम लोगों ने विरोध किया। उसका जो डेट निकला था, DC को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, एक्सचेंज ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा और इन लोगों के पत्राचार के बाद जो है उसका डेट स्थगित हुआ और नए सिरे से इन लोगों ने जो है आवेदन लोगों से लिया प्रशिक्षु बहाली के लिए और उसका बहाली का अभी क्या करने जा रहे हैं। अभी क्या है कि इस प्रक्रिया में जो झारखंड सरकार ने जो कानून बनाया, उस कानून का पूरा उल्लंघन करते हुए निजी कंपनी जो के लिए जो एक्ट बनाया कि 75% स्थानीय लोगों को लिया जाएगा, इसका कोई पालन नहीं हुआ है। और सारे जो है इन लोगों ने अपना मन मर्जी से कंपनी प्रबंधन और यूनियन के लोगों ने जो है मिलकर अपने रिश्तेदारों और नजदीकी को ही इस बहाली में मतलब बहाल किया है। 84 प्रशिक्षक का बहाली किया है और जबकि हम लोगों ने चिट्ठी दिया उपायुक्त, तो उपायुक्त महोदय ने कमिटी बनाया है। उस कमिटी में जो है अपर उपायुक्त के अध्यक्षता में एक कमिटी बना है, उसमें जनरल मैनेजर जिला उद्योग केंद्र और निदेशक अपर प्रादेशिक नियोजनालय जमशेदपुर, सहायक निदेशक अपर प्रादेशिक नियोजनालय जमशेदपुर, ये लोग उस कमेटी में है और ये लोग उस पूरी प्रक्रिया की जांच कर रही है। अभी जांच प्रक्रिया में है, अभी जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जितना भी प्रमाण पत्र
जितना भी स्थानीय प्रमाण पत्र जमा किया सब फर्जी है, इसीलिए इसका जांच हो रहा है। और जांच प्रक्रिया पूरी हुए बिना इन लोगों ने, TSDPL कंपनी ने उन लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया और 2 तारीख से ज्वाइनिंग करने बोला है। तो हम लोग इस ज्वाइनिंग प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए जो है 2/5/2024 को DC साहब को भी हम लोगों ने पत्र लिखकर उसको जो है सूचित किए हैं कि आपके आदेश का अवहेलना हुआ है, आपका आदेश का पालन नहीं हुआ, जांच प्रक्रिया आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग। अब जो है हम लोगों ने उनको बताया है और आज पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से हम लोग कंपनी को बताना चाहते हैं, अगर 2 तारीख को ये जांच प्रक्रिया पूरी हुए बिना उन लोग को जो नियुक्ति पत्र दिया है इसका नियुक्ति होता है तो हम लोग जो है पुरजोर आंदोलन करेंगे और इसमें जो है कंपनी का हुड़काजाम भी होगा और हम लोग कानून का सहारा भी लेंगे, हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। पूरा नाम बता दीजिए। कृष्णा लोहार, संयोजक, झारखंड जनतांत्रिक महासभा।